रहेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से बनाई गई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं और वो विशेष विमान से सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला होटल बीएनआर चाणक्य पहुंचेगा, जहां एनडीए सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। द्रौपदी मुर्मू एनडीए सांसद और विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील करेंगी और बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू समेत अन्य सांसद और विधायक शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू शाम 5:30 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगी। तो आज रांची पहुंच रही हैं एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। एनडीए के नेता विधायकों से बातचीत करेंगी और वोट की अपील करेंगी। एयरपोर्ट पर समर्थन जाहिर तौर पर समर्थन की बात कहेंगी और साथ ही आज द्रौपदी मुर्मू का ये रांची दौरा है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगेगी, लेकिन अब तक जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। वार को रांची आएंगी द्रौपदी मुर्मू, राजनीतिक दल के नेताओं से करेंगी मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मांगेगी समर्थन। जेएमएम ने अब तक नहीं खोले हैं पत्ते। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सोमवार को रांची आएंगी, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में बीजेपी सांसद और विधायकों से मुलाकात करेंगी। साथ ही जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकती हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलकर राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की मांग कर सकती हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, यानी जेएमएम ने अब तक ये फैसला नहीं लिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का। उम्मीद की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू के शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद जेएमएम फैसले का ऐलान कर सकता है। इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है पार्टी की तरफ से, तो उस फैसले का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और हमको लगता है कि वो समय पर गुरु जी का फैसला आ जाएगा और उस फैसले से आप लोग को भी हम लोग अवगत करा देंगे। जब दो राजनीतिक दल के लोग मिलेंगे तो राजनीतिक बातचीत भी होगी और उसके परिणाम भी सामने आते हैं, तो आप इंतजार करें, सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इधर बीजेपी ने एक बार फिर सभी दलों से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि जेएमएम समेत झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी लगभग राष्ट्रपति बनने की राह में सबसे आगे, और मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि राष्ट्रपति अब वोटों के अंकगणित में वो बन चुकी हैं, लेकिन हमेशा अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हारे हुए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना वोट देकर के अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में बहुमत नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा बीजू जनता दल समेत कई पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन झारखंड की सत्ताधारी दल जेएमएम के स्टैंड पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम ने अब तक स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जेएमएम से हमारा गठबंधन झारखंड की राजनीति के लिए हुआ है।
राष्ट्रपति चुनाव एक गरिमामय चुनाव है, इसलिए इसको इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। चर्चा की बैठक हुई है अपनी और निश्चित रूप से उन लोगों ने सभी विधायकों से राय की है और उसके लिए बाबा आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को अधिकृत किया है। निश्चित रूप से वो जो फैसला लेंगे वो उनका फैसला होगा, चूंकि जो गठबंधन हम देखते हैं वो गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ था, तो उससे ये थोड़ा इतर है। और महामहिम का बहुत गरिमामय पद है, हम लोग बार बार कहते आए हैं कि इस गरिमामय पद को गरिमामय तरीके से चुनाव हो। आदिवासी, गैर आदिवासी, झारखंडी, गैर झारखंडी, जसवंत सिन्हा जी झारखंड के हैं, तो इस तरीके से हम लोग ना करके जो महामहिम का गरिमामय पद है उसकी गरिमा को बचाते हुए जो सब लोग तय करें। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, आज एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही हैं, समर्थन की अपील करेंगी, जाहिर तौर पर इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई होगी। हाँ, देखिए उनके आगमन को लेकर जहाँ बीएनआर होटल चाणक्य में तमाम लोगों से मुलाकात करेंगी और उसे पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और वहाँ मुकम्मल तैयारी है। और दूसरी जो तैयारी है वो है प्रशासनिक और यातायात को लेकर के भी हम बात करेंगे, तो एक प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का झारखंड आज लगभग वो 11 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँचेंगी और फिर वो सीधे जो है बीएनआर होटल चाणक्य जाएंगे और उसके बाद तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात करेंगे। तो ये देखिए द्रौपदी मुर्मू का देखेंगे तो झारखंड से बेहद खास लगाव रहा है, लगभग 6 साल 18 दिन तक वो यहाँ झारखंड की वो राज्यपाल भी रही हैं और झारखंड में कई काम उनके मार्फत हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो उन्होंने बेहतरीन काम किया, भाषा को लेकर के बात करेंगे तो जनजातीय भाषाओं को लेकर के भी उन्होंने एक अच्छा यहाँ पे अपना जो दायित्व है वो निभाया। अब रही कि जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है तो ये तमाम लोगों से मुलाकात कर रही है और उसी सिलसिले में उनका रांची आगमन हो रहा है और जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं और आसू पार्टी के विधायक हैं, उनसे तमाम लोगों से वो बातचीत करेंगी और एक समर्थन की अपील करने के लिए वो झारखंड में आई हैं। झारखंड में तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दलों से अपील वो करेंगी क्योंकि वो उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के नाते अभी वो भ्रमण में हैं, अभी कई राज्यों का वो दौरा करेंगी और समर्थन मांगेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार अभी बनी है और आने वाले समय में यदि राष्ट्रपति वो चयनित होती है तो ये झारखंड के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक गौरव का क्षण होगा क्योंकि झारखंड से उनका बेहद खास लगाव रहा है और यही वजह है कि जब उम्मीदवार की घोषणा की गई थी तो तमाम लोगों में एक उत्साह भी दिखाई दिया था। तो अब देखना ये होगा कि आज जो कार्यक्रम है उसके बाद शाम 4:30 बजे वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से फिर वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजदा बिल्कुल जाहिर तौर पर आज समर्थन की अपील करेंगी और इस पूरे मामले में अगर जेएमएम की बात करें, उन्होंने अपने पत्ते साफ नहीं किए, क्या कुछ स्टैंड होगा उनका? राष्ट्रपति पद उम्मीदवार दो नामों पर किस नाम पर मुहर लगाएगी ये भी अभी जेएमएम के लिए सस्पेंस बरकरार है। देखिए अभी तक हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो माहौल अभी तक जो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी वो किसी भी तरह की वो उन्होंने घोषणा नहीं की है। लेकिन आपको याद होगा राजदा कि पिछले कई दिनों पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वो दिल्ली गए थे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन औपचारिक तौर से यदि हम बात करेंगे तो अभी किसी भी तरह की घोषणा या समर्थन को लेकर किसी भी तरह की कोई बात जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से
अभी औपचारिक कोई बयान नहीं है, लेकिन ये अभी अंदर खान ही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे विधायक हैं जो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मीडिया से भी कई बार ये कहा है, पहली बार ट्राइबल कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो समर्थन हमें करना चाहिए। कई विधायकों की ये व्यक्तिगत राय बीच बीच में आते रही है, लेकिन यदि सामूहिक रूप से हम बात करेंगे तो ये जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी हम लोगों ने ये सवाल किया था होटल बीएनआर चाणक्य में कार्यक्रम के दौरान। दोनों ने ये कहा था कि जब तक पार्टी स्तर में विधायकों के साथ बैठक में निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो हमें लगता है कि वोटिंग के पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी की एक बैठक जरूर होगी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसी में तय होगा कि समर्थन किसको करना है। देखिए ऐसे आप देखेंगे तो विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया गया है, और शुरुआती दौर में जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि दिल्ली में उस बैठक में शामिल थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने तो पहले क्लियर कर दिया है कि वो यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन दिल्ली में क्या बातचीत हुई है ये अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पब्लिक डोमेन में या मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो राजनीतिक माहौल जो लगता है जो परिस्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक हम कह सकते हैं कि धर्म संकट की स्थिति में भी है कि वो ये द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करे कि यशवंत सिन्हा को करे, क्योंकि एक तरफ जहां ट्राइबल कार्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया है तो उस कार्ड में वो शामिल होंगे नहीं होंगे, तो ये एक अभी हम कह सकते हैं कि सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है कई विधायकों से बातचीत के बाद ये कहा जा सकता है कि हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर सकता है, लेकिन ये अभी इफ एंड बट में है। लेकिन आने वाले समय में क्या परिस्थिति बदलेगी, दिल्ली में क्या बातचीत हुई है, ये तमाम बातों को लेकर एक बार पार्टी के तमाम विधायक और एक दो सांसद जो है वो बैठेंगे तभी निर्णय होगा, और तब सभी निर्णय जो है गुरु जी को लेना है। जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पहले कहा है जबकि इस मुद्दे को लेकर एक बार बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तमाम लोग वेट एंड वॉच में है। हर कोई ये सवाल जरूर पूछ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसको समर्थन करेगा, लेकिन यदि बात की जाए तो लगभग 80-90% यदि हम बात करेंगे मतलब अनुमानता तो हमें लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन वो करेंगी, क्योंकि देखिए संथाल द्रौपदी मुर्मू भी संथाली हैं, और यदि आप देखेंगे संथाल परगना को लेकर तो हमें लगता है कि तमाम बातचीत जो है कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पे आके रुकेगा, क्योंकि ये सवाल बाद में जनता जरूर पूछेगी कि जब कोई एक ट्राइबल खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के पद के लिए तो आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब जो है आने वाले कई वर्षों तक देना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये परिस्थिति नहीं आने देने के पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बड़ा बयान जो है दे सकता है। तो ये अभी राजनीतिक जो स्थिति है समर्थन को लेकर तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि एक या दो दिनों में या आने वाले समय में निर्णय हो सकता है। लेकिन झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा जो है इसलिए भी बेहद खास हो गया है कि वो यहाँ राज्यपाल भी रही हैं और राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, और ज़्यादा उम्मीद है कि वो भारत की राष्ट्रपति बन ही जाएंगी। देखिए राजा इससे पहले जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उस समय भी डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू रेस में रही थी, और हम लोगों ने ये सवाल भी उनसे कहा था कि मैम आप जो है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की दौड़ में सबसे आगे हैं, तो उन्होंने वो हंसी और कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि अब वो मतलब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, और आने वाले समय में वो हो सकता है भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये तमाम लोगों की उम्मीदें जो है
जरूर बढ़ी है। राजदा बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो आज एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच रही हैं, जहां पर वो मुलाकात करेंगी बीजेपी के नेता मंत्रियों से, विधायकों के साथ बैठक होनी है, बातचीत होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।